रानीकोट कहते हैं, लेकिन इसका जो असल नाम है वो है रानीकोट। और हमारे साथ यहाँ कुछ पीएफसीसी के फ्रेंड्स हैं और हम लोग यहाँ पे सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से आए हैं। और मेरे साथ यहाँ कुछ पीएफसीसी के साथी मौजूद हैं और हम उनसे नए साल के आगाज के हवाले से कुछ बात करेंगे। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। इस दफा हम लोग आए हैं एसटीडी सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तावन से। यहाँ पर हमारे साथ ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स हमारे साथ हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश है कि सिंध टूरिज्म फैले, पूरे हर जगह जगह जाए। 2019 में पूरे पाकिस्तान के लोग सिंध में आए और सिंध तरक्की करे। अगर जैसे सिंध में इंतजार बदल रहा है, अल्लाह करे ऐसा सिंध भी बदल जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं मौजूद हूँ रानीकोट में, और रानीकोट में बेसिकली जो ये जगह है, इसको कहते हैं कि परियों की जगह है। यहाँ पर परियां पाई जाती है, लेकिन इस वक्त मुझे दूर दूर तक कोई परी नजर नहीं आ रही। खैर, दूसरी बात आते हैं अभी सीरियस बात की तरफ। माशाल्लाह, वजीर आजम साहब ने एक ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान में टूरिज्म को डेवलप करेंगे, तो उनका जो फोकस था वो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ज्यादा है, जिस तरह केपीके हो गया और उन्होंने दो चार जगह इस तरह इन्वेंट भी की थी। लेकिन अगर हम बात करें, पूरे पाकिस्तान में ऐसी जगह मौजूद है। माशाल्लाह से ये रानीकोट है, ये बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ जो आएगा यकीनन इसकी खूबसूरती इसके जो शहर में वो गिरफ्तार जरूर होगा। हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर की ईव है, और आज का जो दिन है उसके बाद से नया साल शुरू होने वाला है। मैं पीएफसीसी की मेंबर बनना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही जबरदस्त किस्म के ब्लॉगर्स मिले हैं जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और बड़े पोज शोज मार के जो है अपनी ब्लॉग्स तैयार कर रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी पोज वोज मार के वीडियो में अपने भी नंबर बढ़ा दूँ, ताकि बाद में ये मुझे भी दावत दे के बुलाया करें अपनी पार्टीज में। सो दैट्स इट गाइस। और अब मौका आ गया है कि हम 2018 को बाय बाय कह दें और 2019 के सूरज को हाय कहें। कल सुबह हम एंटर हो जाएंगे 2019 में, और आज हम आए हैं न्यू ईयर नाइट मनाने रानीकोट में। आगे जीव सभी जग सारो जागे, कह ये मंद Thank you.
Na dhuha, par ma na dhuha, da dhuha.